नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जिनको डॉली खन्ना ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड किया है जो क्वार्टर जून 30 को ख़त्म हुआ है। इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आई है इसके बाद, इसमें हमें दो स्टॉक्स के बारे में पता चला है जिनके अंदर डॉली खन्ना ने अपना निवेश को 1% से इनक्रीज़ किया है या उन्होंने नई होल्डिंग ली है। तो दोनों ही स्टॉक के बारे में देखेंगे। दोनों ही स्मॉल कैप एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनीज है एंड जैसे कि आपको पता होगा कि डॉली खन्ना का जो अकाउंट है वो उनके हस्बैंड राजीव खन्ना मैनेज करते हैं, जो 1985 बैच के केमिकल इंजीनियर हैं फ्रॉम IIT मद्रास। तो उनको केमिकल सेक्टर का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो हम उनके इन स्टॉक्स के बारे में और एनालिसिस कर सकते हैं अपने बेसिस पे एंड डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक और नॉट। तो सबसे पहला स्टॉक है एरीज एग्रो लिमिटेड। एरीज एग्रो लिमिटेड जो है, डिफरेंट अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाती है, ये वाटर सोल्यूबल NPK बनाती है, ऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट बनाती है, हाई डेंसिटी इनपुट्स, क्रॉप स्पेसिफिक, तो बेसिकली क्रॉप न्यूट्रिशंस के अंदर ये काम करती है। एंड इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, धनुष, हासिल, परमवीर, जहान, इस नाम से इनके प्रोडक्ट आते हैं। अगर कुछ किसान भाई भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो बता सकते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की मार्केट की क्या वैल्यू है, क्या इनका आउटलुक है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, जिससे सभी को पता चल सके कि एरीज एग्रो लिमिटेड के जो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस बेसिस पे एंड कितने चलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, लाइक प्लेक्टोमाइसिन एंड एरीज फर्टीमैक्स एयर पोटास, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। तो ये इनका बिजनेस है बेसिकली क्रॉप न्यूट्रिशन से रिलेटेड एंड डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के साथ भी ये काम करती है। क्रॉप्स की अगर बात करें तो शुगर केन है, सिट्रस है, टर्मरिक है, पॉमग्रेनेट है, जिंजर, चिल्ली, बनाना, सभी टाइप की क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए ये केमिकल्स बनाती है। तो इसके कुछ फाइनेंशियल्स देखेंगे एंड इसके बाद जो है सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो एरीज एग्रो लिमिटेड ये 223 करोड़ की एक इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका करंट प्राइस 171 रुपीज़ है। अगर स्टॉक का ROCE देखा जाए तो वो 14% के पास दिखता है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 8.8% का दिखता है। ROCE इज़ नियर अबाउट 15, सो इसे हम गुड कंसिडर कर सकते हैं, बट ROE हमें लोअर लेवल पे देखने को मिल रहा है। प्लस एक और चीज़, अगर 223 करोड़ की कंपनी के अंदर 128 करोड़ का डेट भी देखने को मिलता है, जो हमारी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये कंपनी काम करती है एंड लास्ट 10 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंसिस्टेंटली 7.25% के रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। अगर इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट की बारे में बात करें तो इसके क्वार्टर के रिजल्ट के आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2020 के अंदर -10 करोड़ का था, वहीं ये मार्च 21 के अंदर कम हुआ है -4 करोड़ का, जो मीन्स आप बोल सकते हैं 4.4 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है, जबकि पहले ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी। तो मिक्स इनके रिजल्ट रहे हैं क्वार्टर के। अगर ईयर वाइज बात की जाए तो ईयर वाइज नेट प्रॉफिट जो है, ईयर वाइज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है गेन किया है। वहीं अगर मार्च 21 से मार्च 20 की बात की जाए तो वहाँ पे कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो कंपनी ग्रोइंग दिखती है, लास्ट 4 to 5 ईयर से ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज़ कर रही है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 52% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, DII के पास कोई होल्डिंग नहीं है एंड FII के पास भी कोई होल्डिंग नहीं है। अगर पब्लिक की बात की जाए तो आपको यहाँ पर डॉली खन्ना का नाम दिखेगा एंड 1.49% की होल्डिंग जो इन्होंने जून 2021 क्वार्टर के अंदर ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल की है। इसके अलावा 1.32% जो है इन्वेस्टर एजुकेशन के पास आपको मिलेगा। तो ओवरऑल 52% इज़ विद प्रमोटर्स एंड अराउंड 46% जो है आपको पब्लिक के पास मिलेगा, रिटेलर्स के पास, एंड 1.49% जो है डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड स्टॉक है रमा फॉस्फेट। तो ये स्टॉक भी रिलेटेड है एग्रोकेमिकल से रिलेटेड, जो कि तीन चीज़ें बेसिकली बनाती है, फर्टिलाइज़र बनाती है, केमिकल्स बनाती है एंड एडिबल ऑयल्स बनाती है, जो कि सोया से रिलेटेड है। तो इस कंपनी के अंदर भी डॉली खन्ना ने अपने निवेश को किया है जून 2021 क्वार्टर के अंदर एंड इसके ये प्लांट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र, फॉस्फेटिक केमिकल्स एंड सोया एडिबल ऑयल के अंदर ये कंपनी काम करती है।
इसके कुछ फाइनेंशियल्स देखेंगे जिससे हमारा हम डिसीजन लेने में सक्षम हों कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो रमा फॉस्फेट जो है 565 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है एंड करंट प्राइस इसका जो है 319 है। अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो हायर लेवल पे देखने के मिलेंगे, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.1% है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 22.7% के लेवल पे काफ़ी अच्छा दिखता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी हाईएस्ट लेवल पे दिखेगी, जो कि 75% है। एंड कंपनी के पास 8.16 करोड़ का कैश है एंड ओनली 5 करोड़ का डेट है। तो डेट वाले पॉइंट से ये कंपनी काफ़ी अच्छी दिखती है। 0.03 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी डेट के फ्रंट पे प्लस रिटर्न देने के फ्रंट पे ये कंपनी काफ़ी अच्छी दिखती है। एंड इसका वैल्यूएशन भी देखा जाए तो ये इंडस्ट्री के पीई के से थोड़े से सस्ते दामों पे ही आपको देखने को मिलेगी। इसके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में अगर जंप किया जाए तो ये कंपनी ने मार्च 2021 के अंदर 13 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। वहीं अगर इस कंपनी के मार्च 20 की बात की जाए तो ओनली 2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 6 टाइम्स से भी ज़्यादा किया है। वहीं पे जो सेल थी उसको भी डबल किया है। लाइक जहां मार्च 2020 के क्वार्टर के अंदर 97 करोड़ की सेल थी, वो मार्च 21 के अंदर बढ़ के 209 करोड़ की सेल हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती है। प्लस जो नेट प्रॉफिट है फ्रॉम 2018 के क्वार्टर से क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिजल्ट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें तो मार्च 10 के अंदर जहाँ पे 131 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, वहीं पे मार्च 2021 के अंदर 580 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ से बढ़ के डायरेक्टली ये 62 करोड़ हुआ है, विच इज़ ए गुड नंबर। अगर नेट प्रॉफिट की यहाँ पे बात की जाए तो ये भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। एंड करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि 2021 में एंड हुआ है, मार्च 2021 में, वहाँ पे कंपनी ने 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी दर्ज किया है, जो कि पिछले सारे क्वार्टर से आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो रमा फॉस्फेट कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग है। जैसे कि आपको पता है कि प्रमोटर्स के पास कंपनी को लिस्ट हुए हुए जब 3 साल हो जाते हैं तो उसके बाद से 75% या उससे कम की होल्डिंग रखनी होती है। तो कंपनी ने उसके बावजूद अपनी होल्डिंग को 75% विच इज एट मैक्सिमम लेवल पे अपनी होल्डिंग को रखा है। इसमें स्लाइट आपको DII की भी होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि 0.03% की है। अगर पब्लिक के पास बात करें तो 24% का स्टेक है, जिसमें 1.77% आपको डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक और हाई नेट इंडिविजुअल है, संगीता एस, उनके पास भी 2.04% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो अराउंड 20% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक के पास दिखती है एंड प्रमोटर्स के पास 75% की होल्डिंग दिखती है। तो इन दोनों ही स्टॉक की अगर बात करी जाए तो हमारी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एरिज एग्रो से अच्छा हमें रमा फॉस्फेट नज़र आता है, एरिज एग्रो के कंपेरिजन में रमा फॉस्फेट। बट दोनों ही जो बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, हमें इनको और एनालाइज करना चाहिए, या इनके बारे में अगर आप ऑलरेडी जानते हैं बिजनेस के बारे में तो फंडामेंटल्स जो हमने डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। एंड इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, एज दिस इज़ ओनली एजुकेशनल वीडियो, नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।